खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर महत्वपूर्ण घोषणा की है। मध्य प्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम से लेकर नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायत स्तर तक ये घोषणा लागू कर दी गई है। तो सभी विभागों को आदेश जारी किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। दीपा हमारी संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ी है। दीपा, जो घोषणा की गई है, सबसे पहले उसको विस्तार से दर्शकों को बताएं कि बिल्डिंग परमिशन के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य क्यों है, इसके पीछे का जो जो भी सोचा है सरकार ने, उस चीज को बताएं, उस चीज को रखें। जी आशिका, जिस तरह से इसके पूरे सार को समझे तो अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो काफी पर्यावरण प्रेमी जो है वो माने जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने खुद ने संकल्प लिया है कि एक साल तक जो है लगातार पेड़ वो लगाए जाएंगे, रोज वो दिन के अपनी शुरुआत जो है पौधारोपण के साथ करते हैं। उन्होंने एक संकल्प जो है नर्मदा जयंती पे लिया था। तो इसी कड़ी में जिस तरह से हम देखते हैं कि लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है, किसी भी मंच पर वो क्यों ना हो, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाने का वो जो एक मैसेज है वो लगातार देते आए हैं। और निश्चित तौर पर ये बात जो आज उन्होंने निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो पहला राज्य बनाया जिसने ये एक निर्णय लिया, और निश्चित तौर पर काफी सराहनीय कदम ये हम इसे मध्य प्रदेश सरकार का मान सकते हैं। जहाँ आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये बात कह दी है, लोगों को पौधारोपण करने की सलाह भी। हालांकि मध्य प्रदेश ये करने वाला पहला राज्य जो है वो बना, निश्चित तौर पर काफी अच्छी पहल हम इसे मान सकते हैं यदि ये कदम उठाया जाता है। तो जहां हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट को लेकर काफी ज्यादा सुधार किए जा रहे हैं या कहते डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जिस चीज को लोग भूल जाते हैं वो है पेड़ पौधे लगाना यानी कि पौधारोपण करना। तो अब जब सरकार इस चीज के लिए निश्चित तौर पर आगे आई है तो काफी ज्यादा एक सराहनीय कदम हम इसे मान सकते हैं। और ये बात कही जा सकती है कि आगे आने वाले वक्त में प्रदेश में जो कहा जाए जो पेड़ है जिन्हें काटा गया था वो चीज कहीं ना कहीं सुधरती भी नजर आएगी, और जो तस्वीरें हैं वो काफी अच्छी हमारे सामने कहा जाए बेहतर तस्वीरें हमारे सामने नजर आएंगी। जी बिल्कुल दीपा, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस क्या होगा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्डिंग परमिशन से पहले जो पौधारोपण किया जाएगा उसकी जानकारी सरकार तक कैसे पहुंचाई जाएगी, और उसके बाद परमिशन कैसे मिलेगा, इसका क्या क्या कुछ प्रोसेस होगा? जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि नगर निगम या फिर कहा जाए जिस तरह से नगर पालिका है वो किसी भी बिल्डिंग बनाने की परमिशन देती है, तो जब व्यक्ति के द्वारा परमिशन ली जाएगी तो उस दौरान उनसे ये एक बॉन्ड भरवाया जाएगा जिसके अंदर पेड़ लगाना अनिवार्य होगा, ये बात कही जाएगी। क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र है अंशिका जहाँ पर अगर कहा जाए बिल्डिंग बनाई जाती है तो वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में जो पेड़ है या कहा जाए जो फुल ग्रोन जो पौधे होते हैं उन्हें काट कर वहां पर बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। ऐसे में उनसे एक बॉन्ड साइन कराया जाएगा जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी होंगी कि किस तरह से जब वो बिल्डिंग बनाएंगे तो दौरान उन्हें पौधे लगाना अनिवार्य होगा, उनसे पौधे लगवाए जाएंगे, और खुद इन सारी चीजों की निगरानी जो है वो खुद जो नगर निगम के कार्य के जो कर्मचारी हैं या नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल हम इसे मान सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया दीपा इस तमाम जानकारी के लिए। हम फैसला कर रहे हैं अब राज्य में बिल्डिंग परमिशन के साथ ये शर्त अनिवार्य की जाएगी कि वो पेड़ लगाएंगे ही, आपको मकान बनाना तो पेड़ लगाने की शर्त बिल्डिंग परमिशन के साथ। अच्छा, कोई बड़ा काम नहीं है, मकान बना रहे भैया पेड़ लगाओ, मकान में जगह है मकान के अगल बगल में लगाओ, इनके जगह नहीं है तो नगर निगम नगर पालिका के पार्क में पंचायत स्कूल भवन जहां भी जगह लगाओ। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एमपी में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जेल से पेरोल पर छूटे कैदियों की 30 दिन की पेरोल और बढ़ाई गई है। जेल से 60 दिन के पेरोल पर छूटे 4,500 बंदियों को इसका लाभ मिलेगा। पेरोल पर आए कैदियों के वापस जेल जाने पर संक्रमण के खतरे के मद्देनजर फैसला लिया गया है। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो कोविड-19 संक्रमण के दौरान जेल में बंद कैदियों को 60 दिन की पेरोल दी गई थी, अब कुल मिलाकर बंदी 90 दिन के पेरोल पर रहेंगे। जेल में बंद कैदियों का कोरोना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है। जेल में बंद 18,000 कैदियों का टीकाकरण भी कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश की जेलों से हमने कोरोना की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए
4,500 लोगों को 60 दिन की पैरोल पर छोड़ा था। कोरोना भले ही अभी अंतिम चरण सा प्रतीत होता हो, लेकिन बाहर से आए लोग जेल में लोगों को संक्रमित न कर दें, इसके मद्देनजर सरकार ने तय किया है कि जिनको 60 दिन की पैरोल थी उन्हें 1 महीने और 30 दिन की बढ़ाकर इस पैरोल को 90 दिन कर दें। तो वही खंडवा में सोयाबीन और कपास के नकली बीज बनाने वाली 3 कंपनियों के गोदाम पर कृषि विभाग की संभागीय टीम ने एक साथ छापेमार कार्रवाई की है। शुक्रवार देर रात से शनिवार सुबह तक चली इस कार्रवाई के बाद एक कंपनी पर FIR दर्ज करा दी गई है। नकली फर्जी टैग बनाकर हजारों बोरे बाजार में बेचने वाली इन कंपनियों का बड़ा खुलासा होने के बाद अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। खंडवा के जिला कृषि अधिकारी को कृषि मंत्री कमल पटेल ने सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए हैं। मुझे सूचना मिली थी कि खंडवा जिले में नकली बीज के टैग नकली टैग बनाए जा रहे हैं, पैकिंग की जा रही है और बेचने की तैयारी है। मैंने तत्काल इंदौर से टीम भेजी संभागी और उन्होंने खंडवा में 3 कंपनियों के छापामार कार्रवाई की। वहां नकली टैग भरते हुए और बड़े पैमाने पर मिले हैं। हमारी टीम ने वहाँ के उप संचालक कृषि और SAD और जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी था उनको बुलवाया, लेकिन वो आनाकानी करते रहे, गए नहीं। जब मुझे सूचना मिली तो मैंने फिर मोबाइल लगा कर उनको फटकार लगाई, मौके पे भेजा और फिर पंचनामा बनाया और उसके बाद उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और सरकार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। जहाँ एक और GMC में जूनियर डॉक्टरों ने एप्रन को लाल रंग से रंग कर एडमिन ब्लॉक में टांग कर विरोध किया, तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस प्रदर्शन को कांग्रेस के नेताओं से गुमराह होना बताया है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस के वो नेता ट्वीट कर रहे हैं जिन्हें इस मामले में कोई जानकारी ही नहीं है। जूडा से बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं, मरीजों के हित में हम हर काम करेंगे। जूडा को सरकार की बातों को मानकर वापस काम पर आ जाना चाहिए। के लिए संतोष की बात है कि अब प्रदेश के 52 जिले रेड जोन से बाहर हो गए हैं, लगातार पॉजिटिविटी कम हुई है। मैं जनता को बहुत बधाई दूंगा, उनके आत्मानुशासन से ये स्थिति बनी है। आज से हमारा 2 दिन का फिर कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ है। हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि हम अपने को और अपने परिवार को इस भीषण समस्या से बचा के रखेंगे। तो वही दमोह जिले में चारों ओर अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। सड़क बनाने वाले ठेकेदारों से लेकर ग्राम पंचायतें तक अवैध सभी खनन में लिप्त है। लगातार शिकायतों के बाद भी कभी कभी खनिज विभाग के मुखिया की नींद खुलती है। एक बार फिर खनिज विभाग नींद से जागा और छतरपुर पन्ना जिले की सीमा से जंगलों के बीचों बीच से निकलने वाली बराना नदी में हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई की। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल के पुत्र द्वारा किए जा रहे अवैध खनन पर NGT ने कार्रवाई की थी। रेत माफियाओं द्वारा मशीनों की मदद से रोजाना सैकड़ों डंपर रेत निकालकर डंप की जा रही थी। कोई फोन किया, पर्यावरणविद लोगों ने मुझको फोन पे जानकारियां दी। कई जो जंगल के रक्षक समाज से भी लोग हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया, मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया। मैं इस संबंध में कलेक्टर साहब को बोला हूँ, रिजर्व फॉरेस्ट के अधिकारियों को बोला हूँ, आपका माइनिंग ऑफिसर को बोला हूँ। मेरी पूरी कोशिश ये रुके और ये एक बहुत बड़ा अवैध गठबंधन चल रहा है, इसको यदि नहीं रोका गया तो यहाँ की जैव विविधता पर बहुत बड़ा चोट होगी और नदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो तो पंचम नगर का डेड स्टोरेज जो वाटर है वो फिलहाल इस शहर इस क्षेत्र के लोगों को पानी दे करके यहाँ के लोगों को प्राण बचाए हुए है, अन्यथा यहाँ त्राही त्राही तो पहले ही मच।
छतरपुर के ओरछा थाना क्षेत्र के कुएं में एक बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव करीब 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो ओरछा थाना क्षेत्र में रहने वाले गांव ढीलापुर के तुलसी प्रजापति के छोटे बेटे का है। सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची। ओरछा थाना प्रभारी अभिषेक चौबे और CSP लोकेश सिंह टीम के साथ पहुंचे और मामले की जाँच में जुट गए हैं। ढीलापुर में कुएं में एक बच्चे की लाश मिली है जी, जिसकी पहचान कर दी गई है, सूरज प्रजापति है जी, जी का रहने वाला है जी जी, जो 31 तारीख से जिसकी गुम इंसान की कायम हो चुकी थी। खबर सागर से है, जहां सागर नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर कार में आग लग गई। आग लग जाने से शाहिद खान की जलकर दर्दनाक मौत हो गई और अपने पति को बचाने में रिजवाना ने दोनों हाथ गंभीर रूप से उसके झुलस गए हैं, लेकिन रिजवाना पति को नहीं बचा पाई, जिसके बाद सदमे में आकर शाहिद खान की बीवी रिजवाना ने भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी से उतार कर जांच में जुट गई है। निवासी सागर ने सूचना दर्ज कराई थी कि इनकी बहन रिजवाना ने आज सुबह 5 बजे फांसी लगा के घर में आत्महत्या कर दी है, जिस पर मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है। मौके से जांच की जा रही है। अभी तक पता चला है कि इनके पति 1 माह पहले खत्म हो गए थे, इसी कारण वो डिप्रेशन में रहती थी, समझौता इसी कारण फांसी। तो हरदा में पर्यावरण दिवस के अवसर पर नर्मदीय धर्मशाला वैक्सीनेशन सेंटर पर आने वाले लोगों का अनोखे तरीके से स्वागत किया गया है। पर्यावरण दिवस के मौके पर हरदा शहर में स्थित नर्मदा धर्मशाला में वैक्सीनेशन सेंटर पर आने वाले लोगों को एक एक पौधा देकर उनका स्वागत किया गया है, ताकि वैक्सीन लगाने के बाद अपने घर पौधे को ले जाएं और पर्यावरण को बचाया जाए। तो वैक्सीनेशन सेंटर पर अनोखे तरीके से स्वागत किया गया लोगों का। जितने भी लोग आ रहे थे वैक्सीनेशन सेंटर, उन्हें एक पौधा दिया गया ताकि वो अपने घर ले जाएं और पौधा रोपण करें और इस दिन को याद भी रखें। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पौधा दिया गया है वैक्सीनेशन सेंटर पर। नर्मदी धर्मशाला में पहले से ही वैक्सीनेशन का काम चल रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था। आज के दिन यहाँ के ट्रस्टीज़ ने, जो वैक्सीनेशन सेंटर पे लोग आए हैं, उनको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन आकर के उनको पौधा गिफ्ट किया है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हम इनसे ये भी आग्रह करें कि ये गिफ्टेड जो पौधा है इनके घर में जाएँ, इसको लगाएँ, उसकी देखभाल करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।